Hello. 买了票再进。 हेलो जी हाओ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मौसम बहुत ही लेवल का है, आपने देखा होगा पीछे बहुत लेवल का मौसम है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ तामिंग लेक। तो फाइनली मैं हूँ यहाँ पे तामिंग कू लेक। यहाँ पे इसका बैक मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे काफ़ी सारी रश लगा हुआ है लोगों का, बहुत आवाम है आज क्योंकि सैटरडे है, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी अंदर से भी आपको यहाँ का सीन दिखाएंगे, तो लेट्स गो। सैटरडे की वजह से जो है आवाम फ्री होती है, तो इधर घूमने फिरने आ जाते हैं। मकामी लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे स्पेशली दूसरे सात पांच सारे सिटीज जो हैं यहाँ वहाँ से लोग आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी लेक है, सिटी के सेंटर में है, सिटी सेंटर में। जो मैंने आपको उस दिन फोरम चिया दिखाई थी ना, बिल्कुल उसके पास पास है। तो यहाँ पे कुछ बोटिंग वगैरह का सीन है, तो यहाँ पे टिकट वगैरह का सीन है। मुझे अभी जाने नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहा था, कहता है टिकट लोगे तो फिर ही अंदर जा सकते हो और टिकट के बगैर नहीं जा सकते। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बोट्स वगैरह बनाई हुई हैं। I just want to make video. Like, no, no, 买票. But I don't want to. 我又来了，因为汉语。 यार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, कहते हैं टिकट लोगे, टिकट तो लेनी नहीं है। नो फोटो ओके। आई सेड आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो बिकॉज़ आई एम अ फॉरेनर, सो आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो अबाउट चाइना एंड चाइनीज हिस्ट्री, सो आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो। ओके ओके थैंक यू। Okay, okay, thank you. Thank you so much. Thank you. I'm not disturbing you, just I make video. Don't take the boat, because you don't have a ticket. Yeah. So, no, I don't take boat. Of course, I don't take boat. Yeah. Just make video. Okay, okay. Okay, okay, thank you. Thank you so much. तो ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। यहाँ पे boats वगैरह हैं। उनको डर पड़ गया था कि मैं जो है बोट पे चक्कर ले लूँगा फ्री में। तो ये ज़बरदस्त बोट्स बनाई हुई हैं, इधर देखें, यहाँ पे ये बोट जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं आगे। ये काफ़ी बड़ी लेक है, वहाँ से उधर से और ये पूरी इधर वाली। ये चाइनीज़ बिल्कुल जो है ना ट्रेडिशनल टाइप बोट बनाई हुई है, वो सामने भी देखें आप। तो ये बोट है सर अंदर से। बहुत बढ़िया, रात के टाइम तो बहुत लेवल के सीन होगा, लाइटिंग वगैरह होती है और ये वो सीन होता है। भर गई है सारी, ये एक पराडो वापस आ गया और इधर से जा रही है दूसरी। Just make video. अबे यार ये बहुत ऐसे ना, ये देख सक देख रहे हैं ना आप। Thank you. You are welcome. My English is not well. But it's better. It's so good. It's much better. तो चलें भी चलते हैं वापस। Okay, bye bye. तो अभी मैं यहाँ के जो scenic spots हैं वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे lake बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो
वो फुल पैदल चलूंगा तो बहुत ज्यादा व्लॉग लंबा हो जाएगा। वाह क्या फोटोग्राफर्स हैं। यहाँ पे कुछ छोटा सा आई थिंक विलेज टाइप बनाया हुआ है, थोड़ा सा वही टच है जो चाइनीज मतलब कल्चरल टाइप होते हैं उसी तरह के हाउसेज हैं। ये सामने एक किस्म का विलेज टाइप बना हुआ है और ये पता नहीं कोई चीज डांस प्रैक्टिस कर रही है वो तलवारें पकड़ के। यहाँ पे वो दूसरा इनका वही बैठने की थोड़ी सी लॉबी वगैरह बनी हुई है। ये सामना उसका मेन डोर है और ये दीवार वगैरह आ गई ऐसे बाहर छोटा सा ग्राउंड टाइप बनाया हुआ है और ये देखें एक्सरसाइज कर रही हैं। वाह ये वो एंशियंट चाइनीज जो है उस तरह के गेट जो पुराने जमाने में होते थे इनके। यहाँ पे जो है एक बांसुरी वाले की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त ओल्ड अंकल है, चेक करें ज़रा। यहाँ पे एक ब्रिज है बड़ा ज़बरदस्त, बहुत लेवल का सीन आ रहा है, वो सामने वो टेंपल तक जा रहा है ये ब्रिज और बहुत लेवल का है। और इधर से चलते हैं ज़रा देखते हैं क्या सीन है इधर से, आवाम काफ़ी खड़ी हुई है इधर बांसुरी सुनने वाले के अंकल के पास। अभी लाइट्स ऑन कर दिए पूरे पार्क की तो बहुत ज़बरदस्त सीन हो गया। ये बस वैसे ही पार्क के अंदर छोटे छोटे वो टेंपल और इनके बनाए हुए हैं इन्होंने। एक वो इसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वो बिल्कुल पीछे है, वो थोड़ा सा दूर है, उधर पैदल चलना पड़ेगा, पहले इधर से कवर करके फिर वो पूरा राउंड चक्कर लगा के फिर उधर चलते हैं। नाइस व्यू। ये दूसरी फ्रंट साइड से मतलब जिसका रुख इस साइड पे है झील वाली साइड पे, बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन है। रात को बंदा इधर आके बैठ जाए और फिर वापस ही ना जाए। तो अभी इधर से वापस चलते हैं दूसरी साइड पे, वो सामने भी है काफ़ी सारे इधर छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं इस तरह के, ये चेक कर रहे हैं आप। एक वो सामने है और एक इधर वही जो मतलब इनका प्योर एंशिएंट स्टाइल में है वही वाला बना हुआ है। पीछे बिल्डिंग है और इस साइड पे आई थिंक इनके किचन वगैरह, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये एक और छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है और नीचे शॉप है, ऊपर जो है वैसे उन्होंने घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे एक और छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है उसी तरह का टेम्पल सेम। वाह आला हो गया सीन, क्या फोटोग्राफर है। वाह क्या सीन है इसका। ये सामने रेस्टोरेंट है, नीचे भी रेस्टोरेंट है और ऊपर भी रेस्टोरेंट, लेकिन ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बंद है। लेवल आला। तो इस टाइम में जो व्यू है वो बहुत ही लेवल का, बहुत ही कमाल का है। ओरिजिनल आंखों से तो बहुत लेवल का लग रहा है, वीडियोस में पता नहीं किस तरह का लगता है। और यहाँ पे विलो ट्रीज हैं वो भी बहुत लेवल का लुक दे रहे हैं जब गोल्डन और ग्रीन लाइट में मिक्स हो रहे हैं। तो ये सामने वो बिल्डिंग आ गई। बहुत नाइस लुक है। और ये है जी इसका वेस्ट गेट है, गेट भी उन्होंने वही बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है, बहुत लेवल का। अभी इसी गेट से एंटर हुए हैं, इधर से जाके आगे एक्सप्लोर करते हैं। इस साइड पे छोटा सा ये बनाया हुआ है, ये भी टेंपल लेवल का आला हो गया।
ये अंदर से इसका गेट है और इस साइड पे भी एक छोटा सा टेंपल टाइप बना हुआ है। तो अभी हम इधर से जाएंगे और लेक के आसपास पास पास में वाओ ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल बहुत लेवल का यार। सैटरडे वाले दिन बहुत ज़्यादा वाम है क्योंकि आज के दिन वो फ्री होते हैं सारे। अब इधर किस चीज़ की लाइन वगैरह लगी हुई है। अब इसके अंदर जो है वो लड़कियों का सारा ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वगैरह चाइनीज। जल्दी से ये भी देखते हैं। वापिस चलते हैं इधर से। जो ट्रेडिशनल चाइनीज क्लॉथ्स हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, फुल क्लॉथ्स ही होते हैं जैसे हमारे मुस्लिम्स पहनते हैं। ये तो आजकल की नस्ल जो है उन्होंने कपड़े आधे आधे कर लिए। ये दो बहनें जा रही हैं। Here I find another so beautiful bridge. बहुत लेवल का यार पंजाबी ज़बान में बहुत ज़बरदस्त है। कितना लेवल का पाथ बना हुआ है इधर से लोगों के गुजरने के लिए। दूर से देखो तो बहुत लाइट्स नज़र आती हैं ये पूरे पार्क में। ये चेक करें ये कितना लेवल का सीन है। यहाँ जो कश्ती है वो इधर से नीचे से गुजर के जा रही है पुल के अंदर से। बहुत कमाल का नज़ारा यार ये बहुत लेवल का हो गया। नाइस हेलो नी हाओ। यहाँ पे जी किश्ती मिश्ती भी आ गई है वाइकिंग्स। वाह वाइकिंग की कश्ती इधर क्या करने आ गई। वाइकिंग इधर चाइना में भी आया था आई थिंक सो। वाह यहाँ पे एक बोट पॉइंट आया बहुत ही बड़ा। बहुत सारी कश्तियाँ इधर खड़ी हैं छोटी छोटी बोट्स। ये चेक करें और कितना लेवल का सीन है फुल चमक रहा है। इधर बहुत सारी कश्तियाँ ये सारी लाइन में वो एंड तक खड़ी हैं इधर से और इधर भी सारी खड़ी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही बंद क्यों कर दी है आई थिंक नाइट की वजह से। बहुत लेवल का एक और टेम्पल आ गया। इसका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है डिफरेंट है इसका डिज़ाइन। कितना लेवल का है बहुत आला लग रहा है। तो ये है जी इक्वेरियम अंडरग्राउंड मतलब इधर ही लेक के पास में बनाया हुआ साइड में। 30 RMB की टिकट है लेकिन हम नहीं लेंगे इधर से निकलते हैं। ये चेक करें जबरदस्त आला। वाओ ये चीज़ डिफरेंट है ये लेवल की लग रही है। इधर दो तीन जो है यहाँ पे वो सामने वाला भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। स्टाइल ऑलमोस्ट है सबके डिफरेंट डिफरेंट है। और लेट्स सी कहीं जी ये है रेस्टोरेंट। वाओ रेस्टोरेंट इधर बनाया हुआ साइड पे। व्यू पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त। छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है। ये टेंपल तो छुप गया दरख्तों के अंदर। तो अभी जो है हम बड़े टेंपल की तरफ जा रहे हैं। Here are some expensive Chinese traditional restaurant. नज़र आ रही है आपको ये यहाँ पे जी वैगन नज़र आ रही है यहाँ पे शेवले नज़र आ रही है। तो ये सर दो तीन कुछ यहाँ पे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं। जबरदस्त यहाँ पे रश नहीं है लोगों का। सामने शॉप है एक लेकिन वो
शॉप्स तो आपको पता ही है क्या सीन होता है। चाय पे है बिल्कुल दरख्तों के दरमियान में घिरा हुआ सामने। यहाँ पे भी कुछ सीन है सिक्के मार रहे हैं तो कितने सारे सिक्के पड़े हैं चेक करेंगे। भरा हुआ है सारा सिक्कों से वो चेक करें। जब बैल को सिक्का लगता है तो वो पीछे से पानी निकलता है। ये कितनी क्यूट है। ये भी बहुत लेवल गार्ड बना हुआ है। शॉप है ये वाली, आइसक्रीम लगी हुई है। वाओ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन चीना। साइड से बहुत ही आला व्यू आ रहा है यार। मैं रियल में मैं देख रहा हूँ ना, मुझे फील आ रहा है कि क्या कमाल की चीज़ लग रही है बिल्डिंग। ये एक मेन है साइड सामने फ्रंट पे, ये बड़ा सारा है। वाह चेक करें यार कितना लेवल का है, बहुत लेवल का है। ये तकरीबन 5-6 मंजिला होगा, काफ़ी ऊँचा है। लेवल लेवल है भाई। और इस बिल्डिंग का नाम इसको कहते हैं छाउरान लो। इसके साथ एक ये छोटा सा है और इसी के साथ एक इस साइड पे है, ये वाला भी बहुत लेवल का है। ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है इसके, नोबडी कैन गो। बस इधर तक आओ और घूम फिर के वापस चले जाओ। वाह ये चेक करें, ज़बरदस्त हो गया ना ये सीन, जिस बंदे ने बनाया ना कमाल का आर्किटेक्चर था। और ये सामने वाला भी तो जो यहाँ की सबसे मेन प्लेस है वो यहाँ ये पीछे वाली है, यही है सबसे मेन प्लेस। तो आप बताइए, कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की लगी है, कौन सा टेंपल आपको अच्छा लगा है, कौन सी जगह आपको अच्छी लगी है। तो आज का जो व्लॉग है हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आज तक इसके लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।